उत्तराखंड के प्रसिद्ध और प्राचीन शहरों में से अल्मोड़ा एक बहुत प्राचीन शहर माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अल्मोड़ा में काफ़ी ऐसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं और दर्शनीय स्थल हैं जो अल्मोड़ा को खास बनाते हैं। आज जानेंगे हम अल्मोड़ा शहर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। भारत की राजधानी और साथ में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इसका दूरी कितनी है वो हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में मंदिर के इतिहास और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, इन सभी से जोड़ना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। यह एक पर्वत के ऊपर बसा हुआ क्षेत्र है। यह काफी प्रसिद्ध और प्राचीन व दर्शनीय स्थलों में से एक स्थल माना जाता है। साथ ही यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य आपको भरपूर मिलेगा। उत्तराखंड की जो खूबसूरती है वह भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। अल्मोड़ा का क्षेत्रफल 3144 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6,22,504 है और साक्षरता दर 80.47 है। दोस्तों अल्मोड़ा शहर को 1530 ईस्वी में चंद्रवंश राजाओं ने बसाया था और बाद में यहाँ अपनी राजधानी भी शिफ्ट की थी। 1866 ईस्वी में रामजे कॉलेज, जो कि यहाँ पे इंटर कॉलेज है, और 1864 ईस्वी में यहाँ पे नगर निगम की स्थापना हुई थी। दोस्तों कभी अल्मोड़ा को नौलो के शहर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे 360 नौले स्थित थे, लेकिन वर्तमान में उनकी स्थिति काफी दुर्लभ है, वह बहुत कम देखने को मिलते हैं। नौले क्या होते हैं उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे देने की कोशिश करूंगा। वहां से आप नौलो के बारे में और बारीकी से समझ सकते हैं किस तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधन था और इसका उपयोग कितना महत्वपूर्ण इसका योगदान था हमारे जीवन में उस समय, तो उसके बारे में भी मैंने पूरी जानकारी दी है, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं अल्मोड़ा के इतिहास के बारे में। अल्मोड़ा का सबसे पहले उल्लेख महाभारत में मिलता है, जब माँ देवी ने शुंभ और कुसुम्भ नामक दो दैत्यों का वध किया था, वह इसी स्थान पे किया था ऐसी मान्यता है। अल्मोड़ा नगर कभी चंद्रवंश राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। इस नगर को 1563 ईस्वी में चंद राजा बालो कल्याण चंद ने बसाया था तथा अपने राज्य की राजधानी अल्मोड़ा को बना दिया था। चंदों से पूर्व अल्मोड़ा नगर पर कचूर राजाओं का शासन था, जो उससे श्री चंद तिवारी नामक गुजराती ब्राह्मण को दान में दे दिया गया था। दोस्तों अल्मोड़ा नगर में चंदकालीन महल, मंदिर तथा नौले मिलते हैं। यहाँ के मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी में बनाए गए हैं तथा पाषाण और शिलाओं से जो बनाए गए हैं तथा कई ऐसी मूर्तियां हैं जो खंडित अवस्था में अभी मिलती हैं। इन मूर्तियों को खंडित करने का जो श्रेय है वो रोहिंग्या आक्रमणकारियों को जाता है। अब दोस्तों देवभूमि इंडिया आपको बता रहा है अल्मोड़ा में आप कौन कौन सी ऐसी जो प्राचीन और प्रसिद्ध जगह है जहाँ घूम सकते हैं। अल्मोड़ा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आप जा सकते हैं। अल्मोड़ा से आप रानीखेत, द्वाराहाट, सोमेश्वर, इन सभी जगह जा सकते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी जा सकते हैं। तो अब मैं आपको खास चीज़ें बताऊंगा जहां आप जा सकते हैं, जो खास जो मान्यता है हमारे उत्तराखंड में, जो प्रसिद्ध स्थान माने जाते हैं और प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहे हैं, उन सभी के बारे में। डियर पार्क, चितई गुलू देवता मंदिर, कसार देवी मंदिर, जागेश्वर मंदिर, रामशिला मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर भी यहाँ स्थित है, गणनाथ मंदिर यहाँ स्थित है। काफ़ी ऐसे जो प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर जो हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है तथा यहाँ से आप रानीखेत, द्वाराहाट, ताड़ीखेत, इन सभी टूरिस्ट प्लेसों पे भी जा सकते हैं। काठगोदाम से बस या टैक्सी से यहाँ आसानी से आप पहुँच सकते हैं। काठगोदाम से अल्मोड़ा की दूरी 81 किलोमीटर की है और देहरादून से इसकी दूरी 350 किलोमीटर की है अल्मोड़ा की, और भारत की राजधानी दिल्ली से इसकी दूरी 383 किलोमीटर की है। साथ ही दोस्तों अल्मोड़ा में काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन महल और गुंबद स्थित है जिनको चंद शासकों ने बनाया था। यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय भी है जहाँ आप आ सकते हैं और गोविंद वल्लभ पंत से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में अल्मोड़ा में तीन चीज़ें बहुत प्रमुख चीज़ से मानी जाती हैं, बाल, माल और पटाल।
बाल यहाँ की बाल मिठाई जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। आप अल्मोड़ा जब भी जाएं बाल मिठाई का टेस्ट जरूर लीजिएगा। और साथ में माल रोड यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। और साथ में पटाल जो लाला बाजार बना हुआ है अल्मोड़ा में, वह पूरा पटाल से बना हुआ है, अर्थात जो पत्थरों का बड़ा समूह होता है उसे पटाल कहा जाता है। हमारे वहाँ बड़े पत्थर जो होते हैं टाइल टाइप से होते हैं, वो उसे पटाल कहा जाता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों अल्मोड़ा से जुड़ी हुई। अल्मोड़ा में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह हैं और अल्मोड़ा का इतिहास क्या रहा है, उन सभी के बारे में मैंने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश की। अब आपका काम है अल्मोड़ा की इस प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों तक पहुंचाना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और प्रसिद्ध शहर के साथ। जय हिंद।